आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से शर्ट का खर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा शर्ट का आगे का कटा हुआ भाग है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये किनार है, यहाँ से मैं हटा लेता हूँ। हमारा नीचे कटन लगा हुआ है, ये दोस्तों 2 इंची पर लगा हुआ है। पट्टी लगाएंगे, फैशन पट्टी लगाएंगे। तो मैं यहाँ से लगभग आधा इंच नीचे से कम रख के और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। पट्टी लगा रहे हैं तो इसको यहाँ पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमें रख देना है इसको। और इस तरीके से रख देना है और इसको यहाँ से पेस्टिंग कर लेनी है, इसको चिपका लेना है। इस तरीके से अच्छे से चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद में इसको यहाँ से मोड़ लेंगे। दोस्तों ये उल्टी साइड में हम चिपका रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और जो दोस्तों फैशन पट्टी आती है वो हमारे बाएं हाथ में आती है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना है। जो काज करते हैं वो हम बाएं हाथ साइड में काज करते हैं और बटन लगाते हैं वो राइट हैंड में बटन लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दोस्तों ये हम फैशन पट्टी चिपका रहे हैं और लेफ्ट हैंड में चिपका रहे हैं और उल्टी की तरह चिपका रहे हैं। तो इसको तो यहाँ पर रख देना है और इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसमें दोस्तों हमारी बटन पट्टी आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से प्रेस लगा लेना है, इसको भी रख देते हैं। और दोस्तों ये हमारा बेक है, इसका तो कोई काम है नहीं, इसको भी हम रख देते हैं। हम कप काट लेते हैं। तो इसके कप हैं वो 9 इंची के हैं और ये रोल हैं दोस्तों, कप रोल हैं, ये 2.25 इंची है। तो दोस्तों कप काटने के लिए 2.25 इंची का कप रोल है। तो यहाँ से हम इसके कप लगाएंगे और 9 इंची के लगाएंगे, तो 2 कप काट लेंगे। इसमें 18 इंची का निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद में इस तरीके से कट कर लेंगे। और आप चाहे तो गोलाई में भी काट सकते हैं और कोंट वाले भी काट सकते हैं। तो मैं इसको सीधा ही काट लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से सीधा ही काट लेना है और इसको चिपका लेते हैं। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें पेस्टिंग करें तो उल्टी साइड में करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये उल्टी साइड है दोस्तों, तो ये हम इस तरीके से रखेंगे कप को और यहाँ पर चिपका लेंगे इसको। इस तरीके से चिपका लेंगे और यहाँ से सिलाई मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। अच्छे से चिपका लेंगे, उखड़ न जाए। इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों दूसरा कप भी हम इसमें बना लेंगे, इसको भी यहाँ रखेंगे, चिपका लेंगे इसको। यहाँ से सिलाई मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मोड़ लेंगे इसको। और बस दोस्तों इसमें हम चौक पट्टी बना लेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे आधा इंची और लगभग 1 इंची मोड़ लेंगे इस तरीके से। और 7 इंची की हम इसमें 2 पट्टियाँ काटेंगे, तो ये लगभग हमें 7 इंची की काट लेनी है। यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख के कटिंग कर लेनी है। एक चौक पट्टी हम यहाँ से काट लेंगे। एक इंची मोड़ेंगे इस तरीके से, सिलाई मार्जिन रख के कटिंग कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हम ये फोल्ड कर लेंगे, यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से हम आधा इंची मोड़ लेंगे, फिर हम 1 इंची लगभग मोड़ लेंगे। और दोस्तों हमारा पैटर्न है जेब का, तो हम इस तरीके से रखेंगे। ये 5x5.5 का है दोस्तों, ये भी साइज की शर्ट है, 5x5.5 का लगा रहे हैं। इससे क्या होगा कि दोस्तों सुविधा हो जाती है और जल्दी भी बन जाती है और अच्छे से भी बनती है दोस्तों।
आप यदि इस तरीके से पैटर्न कटिंग करके मोड़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी से ये बन जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको कॉलर किस तरीके से चिपकाते हैं वो बता देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने कॉलर की बैंड पट्टी है और यहाँ से चिपका लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों ये हैवी साइज की है तो इसमें हम ये 16 की कॉलर लगा रहे हैं लगभग। यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ के फिर यहाँ पर ये रखना है, ये ध्यान रखना है। अच्छे से चिपकाना है, उखड़ ना जाए दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेनी है। और दोस्तों ये स्टेन है, स्टेन पट्टी है, यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखना है ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में दोस्तों हमें मोड़ लेना है इस तरीके से। इस तरीके से अच्छे से मोड़ लेना है और दूसरी साइड में इस तरीके से प्रेस लगा लेना है अच्छे से दोस्तों। इस तरीके से बनाने से हमारी कॉलर में अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है दोस्तों। और ये हमारा अस्तर है, नीचे का हम यहाँ अस्तर लगा देंगे, यहाँ पर भी हल्की सी प्रेस लगा लेते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये शर्ट की टेस्टिंग हमने पूरी कर ली है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारी देता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।